अस्सलाम वालेकुम, आज मैं कस्टर्ड शरबत बना रही हूँ, कस्टर्ड पाउडर से शरबत। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मिल्कशेक डाले हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए कस्टर्ड पाउडर से शरबत बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है। इस दूध को साइड में पकने के लिए रख दूँगी यहाँ पे। और एक कप में दूध लिया है, ये हाफ कप जितना दूध है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी। मैंने कस्टर्ड पाउडर घर में ही बनाया है। 2 टेबल स्पून जितना कस्टर्ड पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूध में पूरा कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, उस तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैंने सब्जा लिया है, 1 टेबल स्पून जितना लिया है। इसके अंदर पानी डाल के इसे भीगने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसे भी साइड में रख दूंगी। यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है, उसके अंदर इतने से बादाम डाल दूंगी। तकरीबन 8 बादाम है, 10 से 12 पिस्ते हैं और 2 इलायची। इसके अंदर डाल के पीस के लेकर आऊंगी। ये देखिए पीस लिया है। दूध को गैस पे रखा है उबलने के लिए। चम्मच घुमाते हुए दूध को उबाल लीजिए। अब इसके अंदर शक्कर डाल दूंगी, 1-4 टेबल स्पून जितनी शक्कर डालूंगी इसके अंदर, बड़े खाने के चम्मच जितने 4 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। शक्कर पिघलने तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। देखिए शक्कर पिघल चुकी है, जो मैंने पीस लिया था ना बादाम पिस्ता और इलायची, वो इसमें डाल दूंगी। वो भी इसके साथ पक जाएगा, इसका फ्लेवर अंदर छोड़ेगा। इनके सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है और दूध में भी उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर ये कस्टर्ड पाउडर डाल दूंगी, जो मैंने मिक्स करके रखा है ना, वो ऐसे ही डालते हुए चम्मच घुमाते हुए जाएंगे। दूध में बॉयल आने के बाद ही डालना चाहिए। देखिए पक रहा है, 1-2 मिनट के लिए पका लूंगी, हल्का सा थिक होने तक, ज़्यादा थिक भी नहीं, ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा। चम्मच घुमाते हुए पका लीजिए, क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है ना, अंदर गाँटियाँ बन सकती हैं। 1-2 मिनट तक पका लिया है और ये हल्का सा गाढ़ा भी हो चुका है। अब गैस को बंद करके इसे रूम टेम्परेचर पर लाऊंगी, उसके बाद फ्रिज में रख के ठंडा करके लूंगी। ये देखिए फ्रिज में रखा है, पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर सब्जा डाल दूंगी। देखिए सब्जा अच्छे से भीग चुके हैं, आपको जितना चाहिए उतना देख के डाल दीजिए। मैं 1-4 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 टाइप के जली ली है, जो विक्विल के जली आते हैं ना, वही जली मैं बना के ली हूँ, वो वाली जली। आप एक सिंगल जली भी डाल सकते हैं, मैं 3 तरह की बनाई हूँ। एक ही फ्लेवर में मैंने 3 कलर के बनाए हैं। पाइनएप्पल फ्लेवर की जली लाई थी, वो बना के उसके अंदर रेड कलर और ग्रीन कलर मिक्स करके 3 टाइप की जली बनाई हूँ, वो डाल रही हूँ इसके अंदर। ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपके मनपसंद ग्लासेस लीजिए और सर्व करिए ठंडा ठंडा कस्टर्ड शरबत। ग्लास में डाल दूंगी। तो लीजिए, रेडी है हमारा कस्टर्ड शरबत। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।